देखो, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में बहुत हंसते खेलते होंगे। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से, और अब देख सकते हैं मैं किचन में हूँ। यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए मैंने आलू और नमक धो के कुकर में डाल दिया है। इसको चढ़ा देती हूँ और इधर मैं सोच रही हूँ कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा। तो ये न्यूट्रेला का सोया चंक्स है, सोयाबीन, तो मैं सोच रही हूँ ये बना देती हूँ। तो आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी आज बना रही हूँ मैं। हमारा बॉयल हो रहा है ना, तब तक मैंने यहाँ पे कुछ प्याज, 6 प्याज, लहसुन, थोड़ी सी आदी, आदी का इस्तेमाल कम करूँगी क्योंकि आदी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है सेहत के लिए, और थोड़ी सी मिर्च और धनिया पत्ती, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना चॉप कर लेती हूँ फटाफट, फिर मसाला रेडी करूँगी। इसलिए टाइम को बचाते हुए मैंने इधर पूरा काम नहीं किया है, तब तक मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, तेल गर्म हो गया है। मैं फ़ौरन डाल के प्याज मिर्च डाल देती हूँ, और जब तक प्याज हमारा पकेगा तब तक मैं मसाले पीस लूँगी ताकि टाइम यूटिलाइज हो जाए, वेस्ट ना हो, काम मेरा समय पे हो जाए। और इधर आटा भी मैंने एक्स्ट्रा रख दिया था रात में छान के, तो वो यूज़ कर लूँगी। प्याज हमारा पक चुका था तो यहाँ पर मैंने मसाले भी ऐड कर दिए पीस के। जब तक प्याज पक रहा था तब तक मैंने मसाले पीस लिए हैं। अब इसको ढक के पका लेती हूँ, तब तक ये सब क्लीन करके ये काट लेती हूँ। और आलू भी ऑलमोस्ट बॉयल हो गया, इसकी सीटी निकल जाए। फिर सोयाबीन्स को भी मैं, सोयाबीन जो है हमारे पास, उसको बॉयल करके फ्राई कर लूँगी, और आलू को भी दूसरी कढ़ाई में, इस कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी। इधर इसको ढक के पहले पका लेती हूँ। आज हमारे यहाँ टमाटर ख़त्म हो गया और सुबह सुबह यहाँ कहीं मिलेगा नहीं, आज बिना टमाटर के ही सब्ज़ी मैं बना रही हूँ।